बातचीत की। बाबूगंज बनी पहुंची प्रियंका और कांग्रेस प्रत्याशी फतेह बहादुर को लड्डुओं से तोल दिया। प्रियंका गांधी को लड्डुओं से तोलने का कार्यक्रम था, लेकिन प्रियंका ने राजू में उसी को बिठा दिया जिसने ये कार्यक्रम रखा था। कांग्रेस प्रत्याशी है फतेह बहादुर, जिन्होंने प्रियंका के लिए तराजू को वहाँ पर रखा हुआ था। प्रियंका को तराजू पर बैठाना था, लेकिन प्रियंका वहाँ पर पहुंची और फतेह बहादुर को लड्डू से तोड़ दिया। कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी देर रुके प्रियंका, कुएमू गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया। कार्यकर्ताओं के बीच देर रात को अचानक से पहुंच गई। कार्यकर्ता भी हालांकि वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे प्रियंका का। उनको भी इंतजार ही था कि प्रियंका उनके बीच अवश्य आएंगी, और हुआ भी वही। आधी रात को अचानक से प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, मिली। हालांकि ज्यादा देर वो नहीं रुकी, थोड़ी देर के बाद वो निकल गई। यहां पर भी सबसे मुलाकात करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे मिलती हुई। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अमेठी से जितेंद्र जितेंद्र आधी रात को अचानक से पहुंच गए प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यकर्ताओं के बीच। जितेंद्र आवाज पहुंच रही है आप तक? जितेंद्र, आधी रात को अचानक से प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे उनके बीच पहुंच गए। जी बिल्कुल, बताएंगे जिस तरीके देखे थे हम मुसावे खाना में, जब उनके मैराथन बैठक 11 घंटे लगातार चलती है, जब वो लगभग 12:15 बजे वो गौरीगंज विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय नूर मोहम्मद के बेटे फतेह बहादुर हैं, जो कि इस समय गौरीगंज विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भी भावी प्रत्याशी भी है, तो उनके घर पहुंचते हैं। उनके घर पहुंचने पर प्रियंका को लड्डू से तो भोजन करने का कार्यक्रम रखा जाता है, जो कि प्रियंका पहुंचते हैं तो वहां पे कार्यकर्ताओं को उत्साह करने के लिए फतेह बहादुर को स्वयं लड्डू से तौलती है। ठीक, शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। अचानक से कार्यकर्ताओं के बीच